राज्यसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश किया गया। यूसीसी विधेयक के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह विधेयक पेश किया है। ये विधेयक पेश करने के बाद सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे भी लगाए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा पर संदेह है, बिल की कॉपी आधी अधूरी मिली है, अब इस पर चर्चा भी होनी है। ऐसे में इतनी देर में क्या और कैसी चर्चा होगी, क्या पढ़ेंगे, ये सोचने वाला विषय है। चार खंडों में 740 पत्रों के इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था। यूसीसी के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक लेने के समान अधिकार मिलेंगे। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी है। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा हो सकती है। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर है। बहुविवाह पर रोक है। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं है। उत्तराधिकारी में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। यूसीसी लागू होगा तो क्या होगा? हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। जो कानून हिंदुओं के लिए, वही दूसरों के लिए भी। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा? धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं। 2022 में बीजेपी ने वादा किया था उत्तराखंड में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना। 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला ही क्यों ना हो। इसी बीच राज्य विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अगर राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के नाम पर शासक वर्ग के लिए दूसरे समुदाय की परंपराओं में हस्तक्षेप करने के लिए कानून लाती है तो क्या ये वेमनस नहीं होगा? अभी तो इस पर चर्चा होनी बाकी है। अभी देखिए कितना ज्यादा विरोध इस पर होता है।